नमस्कार, एक बार फिर से अप्रैल महीने का राशिफल लेके मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। मुझको कई लोग लिख रहे हैं कि आप जो इंट्रोडक्शन है, जो पंचांग से संबंधित और अन्य जानकारियाँ जो आप पेश करते हैं वो बहुत विस्तृत होती हैं, किंतु राशि विशेष के लिए थोड़ा मैटर कम पड़ जाता है। देखिए, 12 राशियाँ हैं और हर राशि का अलग अलग भाग्य का विधान है जो कि ग्रह चल पे निर्धारित होता है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, किंतु हर कोई अपनी कार्मिक गति पे चलते हुए अपने ही डेस्टिनी उसको ड्राइव करती है, जो कि जीवन में अच्छे और बुरे दौर से गुजरते हुए उतार और चढ़ाव महसूस करता है। अब ग्रह गोचर, 12 राशियां और इतनी बड़ी दुनिया, इसका भी कुछ ना कुछ मायने है। हर जीव पे, हर प्राणी पे इसका, ग्रहों की चाल का कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है, बट इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है कि हम इसको पूर्ण सत्य ही मान लें। इसकी कंट्रीब्यूशन हमारी डेस्टिनी में या हर इंडिविजुअल के लिए, गोचर का इफेक्ट आप कह सकते हैं कि रुपए में 25 पैसे है, मतलब कि 25%, 75% तो हम अपने पंचांग, जो कि हमारा जन्म पंचांग है, जो हमारी जन्म कुंडली है, उसमें जो दशाएं महादशाएं हमारी चल रही हैं उन्हीं पे ही हम निर्धारित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस परमात्मा ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं जो इस सिस्टम से भी परे जाके कई लोगों की ज़िंदगी में घटित होती हैं चमत्कार के रूप में। वो पैरलर एक अलग दुनिया चलती रहती है। अब मैं वर्तमान में आ जाता हूँ, अप्रैल महीने की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, अप्रैल महीने की शुरुआत ही मूर्ख दिवस से होती है। कितनी विचित्र विडंबना है कि हमारे मान्यताओं में अप्रैल हमारा सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है और इसको शुरुआत में ही फूल्स डे या अप्रैल फूल के नाम से 1 अप्रैल को अंग्रेज लोग मनाते हैं। इसका साफ सा मतलब है कि अंग्रेज इसको कब से मना रहे हैं इसका तो कोई व्याख्यान कहीं पे मिलता नहीं है, किंतु वर्तमान में ये ट्रेंड जब से हमने खुद ने होश संभाला है तो 1 अप्रैल को ये फूल्स डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ये साबित क्या करना चाहते हैं? ये अपने आप को बहुत उच्च श्रेणी के नॉलेजेबल और वेल बिहेव्ड और उच्च नस्ल का मानते हैं और हम लोगों को शायद बहुत निम्न श्रेणी का मानते हैं, इसीलिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में इन्होंने संज्ञा दी हुई है कि माह की शुरुआत ही, जबकि हमारे यहाँ मेष की संक्रांति अप्रैल महीने में होती है, नई संवत का आगाज होता है, एक न्यू बिगनिंग होती है और हमारे कई इम्पोर्टेंट तीज त्यौहार, नवरात्र वगैरह, ये सब भी ज़्यादातर इन्हीं दिनों में पड़ते हैं। इनकी अगर आप जिसको अंग्रेजी का कायदा कहते हैं या उर्दू वाले कायदे में भी आप देखें तो इन लोगों के यहाँ मूर्ख का जो चेहरा बनाया होता है उसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा ये हम पे व्यंग करने के लिए ही बनाया गया है। खैर, ये मेरा अपना सोचना है तो इसलिए मैंने इसकी व्याख्या इस तरीके से कर दी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को ये चीज़ ना समझ में आए तो। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस माह देखिए कि 7 अप्रैल से 5 मई तक 5 शुक्रवार पड़ेंगे और इसी दरमियान 22 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। बृहस्पति राहु की मौजूदगी रहेगी, गुरु चंडाल योग तो रहेगा ही और इसके बाद देखिए कि मेष राशि पे कुंभ के स्वग्रही शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो शनि बहुत बलवान चल रहे हैं। मेष राशि राहु के रहते हुए थोड़ी पीड़ित भी चल रही है। बृहस्पति के आगमन से थोड़ा जरूर मेष राशि को चैन मिलेगा, किंतु जनमानस के लिए ये स्थितियां इतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, विस्फोट, अग्निकांड, तूफान, कहीं सूखा, कहीं ओलावृष्टि, इस तरीके के अनइवन माहौल हमें देखने को मिलेगा कुदरत का कहर के रूप में। और इसके अलावा पक्ष विपक्ष का आपस में टकराव बना रहेगा,
गुरु राहु की युति में पैदावार अच्छी होगी, अनाज और दालों में तेजी रहेगी और गुरु के मेष राशि में आने से भी धन धान्य की स्थिति बेहतर बनेगी। तो अप्रैल महीना कुल मिला के कुछ बेहतर इंडिकेशन दे रहा है, गुरु का मेष संक्रांति से माहौल थोड़ा बेहतर बनता चला जाएगा और फिर आगे ग्रहों का खेल जारी रहेगा। अब हम देखें इस माह के इम्पोर्टेंट दिन दिवस क्या बन रहे हैं। 4 अप्रैल को महावीर जयंती है, 5 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर गुरुराई है, 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 10 अप्रैल को सती अनसुईया जयंती है, 14 अप्रैल बैसाखी है, संक्रांति है सूर्य की मेष संक्रांति, इसके अलावा 14 तारीख को अंबेडकर जयंती भी पड़ेगी। अब हिस्ट्री में बैसाखी 1919 की, जो कि 13 अप्रैल को थी, जिस दिन जलियांवाला बाग का कांड हुआ और कितने लोगों ने शहादत दी, ये कोई भूला नहीं है। बैसाखी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी और ये दिन संक्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती है, इसी दिन को अक्षय तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। अबुझ मुहूर्त रहता है, कोई भी शुभ कार्य है बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं, अति शुभ दिनों में गिनती होती है। जिस तिथि का कोई क्षय नहीं होता उस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। फिर 25 तारीख को शंकराचार्य जयंती है, 26 को माँ गंगा जयंती, 28 को माँ बगलामुखी जयंती और 29 को सीता माता की माता जानकी जयंती के रूप में मनाई जाती। इसके अलावा दक्षिण भारत में 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी, 6 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा पड़ेगी, 20 अप्रैल को अमावस और 22 अप्रैल को ईद उल फितर, रमजान खत्म हो जाएगा और खीर वाली ईद ईद उल फितर के नाम से मनाई जाती है। मुस्लिम समुदाय के अलावा सभी लोग भारतवर्ष में इसे मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। ये तो थे त्योहार और अन्य इंपॉर्टेंट दिवस। अब हम ग्रहों की स्थिति पे भी चर्चा कर लेते हैं। मासारंभ में सूर्य मीन में रहेंगे और 14 तारीख को मेष संक्रांति करेंगे और मासारंभ में चंद्रमा कर्क में रहेंगे और 12 राशियों का भ्रमण करते हुए मास अंत तक सारी राशियों में घूम जाएंगे। मंगल जो कि बहुत लंबे समय तक वृषभ राशि में रहे, वो पिछले महीने मिथुन राशि में चले गए, तो ये महीना पूरा मिथुन में ही रहेंगे। बुध 31-3 को मेष राशि में आ चुके और मेष राशि में ही रहेंगे और 21 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे। गुरु मीन राशि में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे और 21 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र मेष राशि में ही रहेंगे और वृषभ राशि में 6 अप्रैल को चले जाएंगे। शनि कुंभ राशि में, राहु मेष में और केतु तुला राशि में रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। तो अब हम विभिन्न राशियों से संबंधित राशिफल का शुरुआत करते हैं। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि राशि से चौथे चल रहे हैं और जहां पे भाग्येश सूर्य भी विराजमान है। शनि स्वग्रही तीसरे घर में प्रक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। पांचवा भाव में राहु बुध शुक्र ये इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो पांचवा घर बुद्धि विवेक का है। एक्टिव टाइम, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, ये भी कर लू मैं, वो भी कर लू मैं, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, नहीं, और ऐसा आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अभी डिसीजन लेने का टाइम आ गया है क्योंकि ग्रह आपके बहुत बेहतर पोजीशन में ओरिएंटेशन होने जा रही है। बृहस्पति देखिए कि बहुत बढ़िया अलाइन हो जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे मेष राशि में। जान से बैठा हुआ पंचम भाव का राहु आपको परेशान कर रहा था, आपको नेगेटिविटी जनरेट कर रहा था, आपकी राशि को बांध के रखे हुए था पंचम। पंचम का राहु इंटेलिजेंट जरूर बहुत है, बट नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो
बृहस्पति के आगमन से राहु की नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी और पॉजिटिविटी बृहस्पति की तो दृष्टि में अमृत है। पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी और नवम दृष्टि आपकी राशि पे पड़ेगी, तो आप बहुत लाभान्वित होने जा रहे हैं। 21 तारीख के बाद पूरा साल बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे और जहां से वो अमृत आपकी राशि पे बरसाते रहेंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है, उत्तम है। शुक्र आपकी राशि से छठे चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत है अच्छा है। और मंगल आपके सातवें घर से गुजर रहा है, पांचवें और सातवें घर में एक्सचेंज फॉर्म हो गया है, तो ये भी एक योगकारक स्थिति बनी हुई है। आपने जीवन साथी के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और व्यापारिक दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने वाला है। थोड़ा अपने ब्लड प्रेशर, क्रोध और इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा कि मंगल एक उग्र ग्रह है, राहु भी एक उग्र ग्रह है। राहु की भी दृष्टि आपके उस पर पड़ रही है बृहस्पति के आने से, बेशक पर किंतु बेहतर हो जाएगा। किंतु बृहस्पति जब तक पूर्ण फल देने की स्थिति में नहीं आते तब तक आपको सचेत रहने की जरूरत है। आगे की जर्नी जरूर बेहतर होने जा रही है पर फिलहाल आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है। मासारंभ में ही चंद्राष्टम है और फिर 27 और 28 को भी चंद्राष्टम की स्थिति रहेगी। अब चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि 21 तारीख तक तो रहेगी रहेगी, फिर उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा से हट जाएगी। 27 और 28 को चंद्र अकेले ही वहां पे विराजमान होंगे, तो आपको चंद्रमा की शांति के लिए भोले भंडारी की शरण में जाना होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवालय जाएं, शिवलिंग का कच्ची लस्सी से जलाभिषेक करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अगर हो सके संभव तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, बहुत उत्तम लाभ प्राप्त होंगे।